डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉयज गैस कैलोरीमीटर सो so, बॉयज गैस कैलोरीमीटर तो यूज टू डिटरमाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गेशियस फ्यूल्स एंड वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स सॉलिड फ्यूल्स और नॉन वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बॉयस कैलोरीमीटर सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस बॉयस कैलोरीमीटर सो कैलोरीमीटर्स वर्कस ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पर हम नोन क्वांटिटी में ग्शियस फ्यूल लेते हैं और उस गेशियस फ्यूल का कंप्लीट कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है अब इस ग्शियस फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से जितनी भी हीट लिबरेट होगी दिस लिबरेटेड हीट इज़ ट्रांसफर टू नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर इस लिबरेटेड हीट को हम नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर में कंप्लीटली ट्रांसफर कर देंगे सो हीट लिबरेटेड बाय कम्प्लीट कंबशन ऑफ ग्शियज फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय नोन क्वांटिटी ऑफ वॉटर यहां पर हम एज्यूम करते हैं कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हीट का लॉस नहीं हुआ है सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस बॉयज कैलोरीमीटर नाउ वी विल सी पार्ट ऑफ दिस बॉयज कैलोरीमीटर एपरेटस तो बॉयज कैलोरीमीटर में एक गैस बर्नर होता है

यहाँ पर एक इंसुलेटेड कंटेनर भी होता है और ये जो कंबशन चैम्बर होता है इट इज़ कवर्ड विद दिस इंसुलेटेड कंटेनर इसके अलावा यहाँ पर दो थर्मामीटर्स यूज़ किए जाते हैं फर्स्ट थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ़ इनकमिंग वाटर एंड सेकेंड थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ़ आउट गोइंग वाटर बिसाइड दिस देयर आर टू कलेक्टिंग कंटेनर्स वन कंटेनर इज़ यूज टू कलेक्ट आउट गोइंग हॉट वाटर एंड सेकेंड कंटेनर इज यूज फॉर स्टीम कंडेंसेट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जितनी भी स्टीम प्रोड्यूस होगी फ्यूल के कंबशन से उस स्टीम को हम कंडेंस करते हैं और उस स्टीम कंडेंसेट को हम कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम दो कंटेनर यूज करते हैं फर्स्ट जिसमें हम वाटर कलेक्ट करेंगे और सेकेंड जिसमें हम स्टीम कंडेंसेट कलेक्ट करेंगे नाउ वी विल सी अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्ट्स तो इस बॉयज कैलोरी मीटर में सबसे पहले हम देखते हैं दिस इज द गैस बर्नर दिस इज सप्लाई पाइपलाइन फॉर गेशियस फ्यूल यहाँ से गैशियस फ्यूल सप्लाई किया जाएगा और इस बर्नर में नोन क्वांटिटी में गेशियस फ्यूल का कम्बशन फिक्स्ड फ्लोरेट पर किया जाएगा दिस गैस बर्नर इज सराउंडेड विथ दिस कंबशन चैम्बर तो ये जो पूरा चिमनी लाइक स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है ये कंबशन चैम्बर होता है और इस कंबशन चैम्बर की आउटर साइड पर कॉपर कॉयल्स लगी होती हैं और इनर साइड पर भी कॉपर कॉयल्स लगी होती हैं और इन कॉपर कॉयल्स में वाटर फ्लो होता है सो दिस इज द इनलेट फॉर वाटर एंड दिस इज द आउटलेट फॉर वाटर वाटर इनलेट और आउटलेट पर थर्मामीटर्स लगे होते हैं सोटी so, T1 इज द थर्मामीटर दिस थर्मामीटर गिव्स द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग वाटर एंड दिस T2 थर्मामीटर गिव्स द टेम्परेचर ऑफ आउटगोइंग वाटर ये पूरा एपरेटस इंसुलेटेड चैम्बर से कवर होता है तो ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है दिस इज द इंसुलेटेड कंटेनर और ये इंसुलेटेड कंटेनर इस पूरे एपरेटस को कवर करता है दिस इज द रबर ट्यूबिंग फॉर आउट वाटर इस रबर ट्यूब से जो हॉट आउट गोइंग है उसका फ्लो होगा एंड दीज टू आर द कलेक्टिंग कंटेनर्स दिस कंटेनर इज यूज फॉर कलेक्टिंग हॉट वाटर दिस कंटेनर इज यूज फॉर कलेक्टिंग स्टीम कंडेंसेट सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस बॉयज कैलोरीमीटर बॉयज़ कैलोरीमीटर एपरेटर्स को आप इस इमेज में देख सकते हैं रोटामीटर्स और प्रेशर गेज साइड पैनल पर लगे होते हैं नाउ वी विल डिस्कस वर्किंग ऑफ दिस बॉयज कैलोरीमीटर तो बॉयज कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम गेशियस फ्यूल का कंबशन स्टार्ट करेंगे गेशियस फ्यूल का फ्लोरेट रोटामीटर की हेल्प से एडजस्ट किया जाएगा और इसका प्रेशर हम प्रेशर गैस की हेल्प से मेजर करेंगे गेशियस फ्यूल का फ्लोरेट और प्रेशर एडजस्ट करने के बाद हम वॉटर का फ्लो स्टार्ट करेंगे वॉटर का फ्लोरेट भी हम रोटामीटर की हेल्प से एडजस्ट करेंगे जब वाटर का फ्लो स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वाटर कंबशन चैम्बर के आउटर साइड में जो कॉपर कॉयल्स लगी होती हैं उनमें फ्लो होगा और उसके बाद ये इनसाइड कॉपर कॉयल्स की तरफ मूव होगा जब वाटर कॉपर कॉयल से फ्लो होगा तो फ्यूल के कंबशन से लिबरेट हुई हीट को एब्जॉर्ब करेगा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हॉट वाटर आउटलेट की ओर मूव करेगा सो दिस इज द आउटलेट फॉर हॉट वाटर जब इनिशियली हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे तब हम इस आउट गोइंग वाटर को कलेक्ट नहीं करेंगे सिस्टम के स्टडी स्टेट में आने के बाद हम इस आउट गोइंग वाटर को कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही हम इस वाटर को कलेक्ट करेंगे हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और इस वाटर को इस कलेक्टिंग कंटेनर में कलेक्ट करेंगे ये वाटर हम पर्टिकुलर टाइम टी तक कलेक्ट करेंगे सपोज हम फाइव मिनट तक इसे कलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में इस ग्लेशियस फ्यूल के कंबशन से जितनी भी स्टीम प्रोड्यूस होगी उस स्टीम को भी हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर टाइम तक हम ये वाटर और स्टीम कलेक्ट करेंगे सपोज हम फाइव मिनट तक इस एक्सपेरिमेंट को रन करेंगे और उसके बाद हम T1 और T2 टू टेम्परेचर मेज़र करेंगे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ मेजरमेंट्स लेना होंगे सो फर्स्ट मेजरमेंट वॉल्यूम ऑफ गैस बर्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन टाइम टी टाइम टी में ग्लेशियस फ्यूल का कितना वॉल्यूम का कंबशन हुआ है हम उसे मेजर करेंगे सेकेंड अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन दिस कंटेनर इन पर्टिकुलर टाइम टी थर्ड मेजरमेंट हम लेंगे अमाउंट ऑफ दिस स्टीम कंडेंसेट टी टाइम में कितनी स्टीम कंडेंसेट यहाँ पर कलेक्ट हुई है उसे हमें मेजर करना होगा इसके बाद हम इनकमिंग वाटर का टेम्परेचर टी वन मेजर करेंगे और आउट गोइंग वाटर का टेम्परेचर टी टू मेजर करेंगे सो दीज आर द मेजरमेंट विच वी टेक ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट नाउ वी विल सी कैलकुलेशन पार्ट नाउ फॉर कैलकुलेशन सपोज कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन सर्टेन टाइम टी टाइम टी में जितना भी गैस का वॉल्यूम बर्न हुआ है उसे हमने वी एज्यूम किया है कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द कॉइल्स इन टाइम टी कैपिटल डब्ल्यू वाटर का वो अमाउंट है जिसे हमने कलेक्टिंग कंटेनर में कलेक्ट किया था इन टाइम टी टी टू माइनस दिस इज द स्टडी राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर वाटर का जो भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो है टी टू माइनस स्मॉल एम स्मॉल एम इज द मास ऑफ वाटर कंडेंस्ड फ्रॉम स्टीम ड्यूरिंग टाइम टी एक्सपेरिमेंट में हमने फ्यूल के कम्बशन से जितनी भी स्टीम बनी थी उसे हमने कंडेंस किया था और उसके अमाउंट को हम मेजर करेंगे वो अमाउंट है स्मॉल एम कैपिटल एल दिस इज द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल नाउ वी स्टार्ट कैलकुलेशन सो फर्स्ट वी कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब बाय सर्कुलेटिंग वाटर जो वाटर कॉपर कॉयल्स में सर्कुलेट हुआ है उसने कितने अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करी है तो वो हीट है कैपिटल डब्ल्यू इंटू टी टू माइनस टी वन और वाटर ने जो हीट एब्जॉर्ब करी है वो हीट फ्यूल के कंबशन से प्रोड्यूस हुई है सो हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू कैपिटल वी इंटू एल वी इज द वॉल्यूम ऑफ फ्यूल एल इज दायर कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल तो हायर कैलोरिफिक वैल्यूंट ही सपोज वी टेक वन मीटर क्यूब ऑफ गैस तो वन मीटर क्यूब गैस के कम्बशन से एल हीट प्रोड्यूस हुई है तो वी मीटर क्यूब फ्यूल के कम्बर्शन से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी एल इंटू वी सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ वी मीटर क्यूब ऑफ गैस और वी वॉल्यूम ऑफ गैस कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल कहता है कि जितनी भी हीट फ्यूल के कंबशन से लिबरेट होगी उतनी हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा सो हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर सो दिस वी इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू इन टी टू माइनस टी वन इस इक्वेशन से हम फ्यूल की हायर कैलोरीफिक वैल्यू एल को कैलकुलेट कर सकते हैं सो हायर कैलोरीफिक वैल्यू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एल इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन अपॉन वी किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब सो दिस इज द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गिवन गेसियस फ्यूल नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल सो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड तो जब भी हम किसी फ्यूल की हायर कैलोरीफिक वैल्यू में से उस फ्यूल के कम्बशन से जितनी भी स्टीम प्रोड्यूस हुई है उसकी लेटेंट हीट को माइनस करते हैं तो हमें लोअर कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाती है अब हम देखते हैं वॉट इज द लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड पर मीटर क्यूब ऑफ गैस तो हमने मेजरमेंट में देखा था कि हमने वी मीटर क्यूब गैस का कंबशन किया था और इस वी मीटर क्यूब गैस के कंबशन से जो स्टीम कंडेंसेट हमें मिला था उसका मास था एम सो एम इज द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड बाय कंबशन ऑफ वी मीटर क्यूब ऑफ गैस तो वी मीटर क्यूब ऑफ गैस प्रोड्यूसेस स्टीम कंडेंसेट एम तो अगर हम वन मीटर क्यूब गैस का कंबशन करेंगे तो कितनी स्टीम कंडेंस होगी एम अपॉन वी सो एम अपॉन वी इज द मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ वन मीटर क्यूब ऑफ गैस अब हमें यह पता है कि वाटर की लेटेंट हीट है 587 एटी सेवन किलो कैलोरी पर के इसका मतलब हुआ जब भी 1 के लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा गेसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसे 587 किलो कैलोरी हीट लगेगी सो वन किलो वाटर रिक्वायर्स लेटेंट हीट इज इक्वल टू 587 किलो कैलोरी और हमें स्टीम से कंडेंस होके कितना वाटर मिला है एम अपॉन वी के जी सो एम अपॉन वी किलोग्राम वाटर रिक्वायर्स लेटेंट हीट इज इक्वल टू फाइव एटी सेवन इंटू एम वी किलो कैलोरी अब हमें ये पता है वन मीटर क्यूब गैस से एम बाई वी वाटर प्रोड्यूस हुआ था और ये वाटर लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो गया था तो जब इस वाटर से जो स्टीम बनी है उसे हम फिर से कंडेंस करेंगे तो जितनी लेटेंट हीट इस वाटर ने एब्जॉर्ब की थी स्टीम बनाने के लिए उतनी ही हीट लिबरेट हो जाएगी जब स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट होगी जब हम स्टीम को कंडेंस करेंगे सो 587 एटी सेवन इंटू एम बाई वी इज द लेटेंट हीट विच इज लिबरेटेड वेन वी कंडेंस्ड स्टीम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वन मीटर क्यूब ऑफ गेशियस फ्यूल एंड टू कैलकुलेट लोअर कैलोरिफिक वैल्यू वी हैव टू सब्सटेक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम हायर कैलोरीफिक वैल्यू सो एल सी वी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू एल दैट इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस फाइव एटी सेवन इंटू एम बाय वी किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम गेसियस फ्यूल की लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हायर कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो है कैपिटल डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन अपॉन वी किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब सो दिस इज ऑल अबाउट बॉयज कैलोरी मीटर एंड कैलकुलेशन फॉर हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू अब हम देखते हैं बॉयज़ कैलोरीमीटर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल फॉलोइंग डेटा वर ऑप्टेंड इन बॉयज गैस कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम ऑफ गैस यूज इज इक्वल टू पॉइंट वन मीटर क्यूब एट एस टी पी वेट ऑफ वॉटर हीटेड इज इक्वल टू ट्वेंटी के जी टेम्परेचर ऑफ इनलेट वाटर इज इक्वल टू फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ आउटलेट वाटर इज इक्वल टू ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड वेट ऑफ स्टीम कंडेंस्ड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव के जी कैलकुलेट एच सी वी एंड एल सी वी पर मीटर क्यूब गैस एट एस टी पी गीवन हीट लिबरेटेड इन कंडेंसिंग वाटर वेपर्स एंड कूलिंग द कंडेंसेट इज फाइव एटी किलो कैलोरी पर के जी तो इस न्यूमेरिकल में हमें वॉल्यूम ऑफ गैस बर्ट दिया गया है दैट इज कैपिटल वी वेट ऑफ वाटर हीटेड दिया गया है दैट इज कैपिटल डब्ल्यू टेम्परेचर ऑफ इनलेट वाटर टी वन टेम्परेचर ऑफ आउटलेट वाटर टी टू और वेट ऑफ स्टीम कंडेंस स्मॉल एम गिवन है इन मेजरमेंट की हेल्प से हमें फ्यूल की हायर कैलोरिफिक वैल्यू और लोअर कैलोरिफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है यहां पर हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम फाइव एटी किलो कैलोरी पर केजी दी गई है अगर हमें लेटेंट हीट का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है तब हम 587 किलो कैलोरी पर केजी लेते हैं लेकिन यहाँ पर हमें 580 गिवन है इसलिए हम 580 लेकर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल तो बॉयज कैलोरीमीटर में हायर कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन अपॉन वी

जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2600 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब सो दिस इज द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गिवन फ्यूल सैंपल नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लोअर कैलोरीफिक वैल्यू तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस एम बाई वी इंटू लेटेट हीट ऑफ स्टीम किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब इस न्यूमेरिकल में हमें लेटेन्ट हीट ऑफ स्टीम 580 गिवन है तो हमने 580 वैल्यू सब्सटीट्यूट की है हायर कैलोरीफिक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 2600 हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस स्मॉल एम इज द वेट ऑफ स्टीम कंडेंस एंड इट इज गिवन पॉइंट V थ्री फाइव वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न इट इज़ पॉइंट इन 580. फाइव एट्टी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2397 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब सो दिस इज़ द लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गिवन फ्यूल सैंपल. तो बॉयज गैस कैलोरी मीटर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल होते हैं फॉर्मूले में यूज होने वाली सभी वैल्यूज गिवन होती हैं हमें इन वैल्यूज को करेक्टली सब्सटीट्यूट करना होता है एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनी गिवन फ्यूल सैंपल नाउ दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड फॉर गेसियस फ्यूल सैंपल इन बॉयज गैस कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम ऑफ गैस बर्ड एट एस टी पी इज इक्वल टू पॉइंट जीरो एट मीटर क्यूब मास ऑफ वाटर सर्कुलेटेड इज इक्वल टू थर्टी के जी राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू एट पॉइंट टू डिग्री सेंटीग्रेड मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड इज इक्वल टू पॉइंट जीरो फोर के जी कैलकुलेट ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द ग्लेशियस फ्यूल सैम्पल यहाँ पर आपको टी वन टी टू टेम्परेचर नहीं देके के डायरेक्टली टी माइनस टी दे दिया गया है इन वैल्यूज को आप फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करें एंड यू कैन इजीली गेट ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गेशियस फ्यूल सैंपल नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन द फॉलोइंग डेटा वर ऑप्टेड इन बॉयज गैस कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न एट एस टीपी इज इक्वल टू पॉइंट टू फाइव मीटर क्यूब मास ऑफ वाटर सर्कुलेटेड इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव के जी इनलेट वाटर टेम्परेचर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर डिग्री सेंटीग्रेड आउटलेट वाटर टेम्परेचर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेंटीग्रेड मास ऑफ स्टीम कंडेंस इज इक्वल टू पॉइंट जीरो फाइव सिक्स के जी कैलकुलेट जी सी वी एंड एन सी वी ऑफ ग्लेशियस फ्यूल सैंपल इन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें लेटेंट हीट का कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है तो हमें फाइव एटी सेवन लेके इन्हें सॉल्व करना होगा तो स्टूडेंट्स आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बॉयज़ कैलोरीमीटर तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें थैंक यू